भैया दूज का त्योहार आधे कार्तिक सुधी दूज को मनाया जाता है। भैया दूज को बहनें अपने भाइयों को जिमाएं, अपने हाथों से टीका लगाएं, नारियल दें। भाई अपनी बहनों को रुपए दे। यदि बहन भाई को अपने हाथ से जिमाए तो भाइयों की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। भैया दूज की कहानी। एक ब्राह्मण के दो संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। वह अपने भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल गया तो वह चरखा कात रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया। वह भाई आने का पता नहीं लगा। वह तार बार बार जोड़ रही थी पर वह जुड़ा नहीं। पीछे मुड़ कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चोखा लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चोखा सूखा नहीं, चावल पके नहीं। वह दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर का चोखा लगाकर दूध और पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटा के साथ चक्की में सांप पीस गया और उसे पता नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध दिए। जब वह चला गया तो उसे सांप पीसने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में सोता हुआ छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी देखी। भाई ने अब तक कुछ नहीं खाया था। उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पियर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरती देखी। एक राहगीर से जब उसने उस शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज ना होती हो, उसके भाई की शादी के समय ये सारी उसकी छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे और भाई भावज को कोस कर गालियां दे, तभी भाई बच सकेगा। वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियां देती देती पियर पहुंच गई। माँ बाप को बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी और वह घोड़ी पर बैठ गई। जो ही वह घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं कर रही थी, यहाँ तक कि सुहाग रात को भाभी के साथ स्वयं सोने चल दी। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने के लिए आए। वह तो जानती थी नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर जेब में रख कर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी याद आई कि उसे भी विदा करें। विदा के समय उसने माँ की उपेक्षा कर गुस्से से बोली कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन मेरे भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेल कर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चों को पालने में रोते चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, यह कहकर जब लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ दवात और पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।